बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चिकन मैक्रोनी सैलेड की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना घर में बहुत ही आसान है और ये बहुत हेल्दी और टेस्टी होती है और ये इफ्तार के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो चलें आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 150 ग्राम्स चिकन ले ली है, ये ब्रेस्ट पीस है। इसको मैंने छोटी छोटी इसकी बोटी बना ली है, छोटी छोटी बनाइएगा, इसे क्यूब्स की शक्ल में बना दीजिएगा। ये 125 ग्राम से 150 ग्राम के बीच में है। इसको पहले मैरिनेट करेंगे, इसको वॉश करके, इसको वॉश कर लीजिएगा। आधी चम्मची लेमन का डाला है रस, आधी चम्मची अदरक का पाउडर, आधी चम्मची लहसुन का पाउडर। ये ड्राई हैं दोनों, आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं, डाल सकते हैं। और यहाँ पे मेरा होममेड तंदूरी मसाला है, चिकन तंदूरी मसाला, इसकी रेसिपी मैं बाद में बताऊँगी आपको। और ये मैंने मक्खन डाल दिया है कुछ, आप घी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ये जूसी रहता है इससे। इसको अच्छी तरह मैंने उसको मिक्स कर लिया था मक्खन के साथ। आपके पास देसी घी है तो वो भी डाल सकते हैं। अब उसको 1 से 2 घंटे के लिए मैंने मैरिनेट करने के लिए उसको रख दिया था कवर करके। यहाँ मैं मैक्रोनी उबालने के लिए पानी डाल रही हूँ, 1 लीटर है पानी है। उसमें 1 चम्मच सॉल्ट है और थोड़ा 1 टेबल स्पून ऑयल है। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है मैरिनेट चिकन बनाने के लिए, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ये ऑयल है, उसमें ज़्यादा मत ऑयल लीजिएगा क्योंकि इसमें मक्खन भी मैंने शामिल किया था। इसको दरमियानी आँच पर पकना रखना, इसको मीडियम आँच पर पकाइएगा ताकि ये गल भी जाए और ये जले भी नहीं। चम्मच मुस्तकिल चलाते रहें, इसको फ्राई करना है मीडियम आँच पे। ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ज़्यादा मत डालिएगा पानी, बस थोड़ा सा पानी ताकि मुकम्मल टेंडर हो जाएगी। अब यहाँ पानी बॉइल हो गया है, मैंने यहाँ पे मैक्रोनी डाल दी है, ये भी 100 ग्राम है, 100 से 125 ग्राम के दरमियान है। इसको 7 से 8 मिनट पकाना है। देखिए ये बिल्कुल ही हो गए, बस इसको काट लेंगे चूल्हे से। इधर मैंने कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स ले ली हैं सैलेड के लिए। यहाँ मैंने गाजर ली है थोड़ी सी, और थोड़े से मैंने बंद गोभी लूँगी, और खीरा है, सैलेड है, थोड़े से मैंने काट ली है। आप अपने हिसाब से कीजिएगा, इससे कोई मेजरमेंट नहीं है, जितना आपको मर्जी है। मैं थोड़ा सा खीरा लिया है। चिकन और मैक्रोनी भी मैंने 150 से 150 ग्राम ली है, वो अपने हिसाब से लिए, आप भी अपने हिसाब से लीजिएगा। उसी तरह मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, थोड़ी थोड़ी हैं, ज़्यादा नहीं है ये। अगर मेजर किया जाए तो ये 1/2 कप ही आएँगी, और वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी डाल सकते हैं। ये मैंने सैलेड लिए हैं, जो मुझे अच्छी लगती है सब्ज़ी में वो डाल रही हूँ। इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे तो बॉयल पीस भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं बॉयल करके। ये मैंने सलाद के पत्ते लिए हैं। इधर मैंने 2 क्लॉथ्स लिए हैं सैलेड के लिए, मुझे ड्रेसिंग का तैयार करना है। 2 क्लॉथ्स लिए हैं मैंने। अब मैंने एक बॉल ले लिया इसके लिए अलग से, और 1/4 कप जो है सिरका है, वाइट विनीगर, और 1 टेबल स्पून जो है लेमन है, और ये क्लॉव्स है, मैंने इसको मिक्स किया है, और थोड़ा सा मैंने क्रश कर दिया है ब्लैक पेपर, और अच्छी तरह मिक्स किया है। ये बहुत ही मज़े के बने थे, और ये मायनीज है मेरी होममेड, ये भी होममेड है, मेरे चैनल में मौजूद है इसकी रेसिपी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और नमक डाल दिया है मैंने क्योंकि वेजिटेबल डालूंगी इसमें, और थोड़ा मैंने सिरका मुझे कम लग रहा था तो मैंने और मज़ीद डाल दिया है। 1/3 कर दीजिएगा इसको सिरके को। और ये मैंने ऑप्शनल है ये, मैंने पैरी पैरी मेरे पास सीजनिंग थी वो मैंने शामिल कर दी है। और ये मिक्स हर्ब है अरबियन स्पाइस, वो मैंने डाल दिया थोड़ा सा, उसको ज़्यादा भी कहा जाता है। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें जो चिकन बना के रखी थी वो मैं डाल रही हूँ, सैंडविच और मैक्रोनीस थोड़ा थोड़ा डालूँगी बारी बारी,
अब मिक्स करते जाऊंगी, इकट्ठा डालूंगी तो वो मिक्स नहीं होगा आसानी से। तो बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत पेट भी भर जाता है इसको खाने के बाद, कुछ खाने की जरूरत पेश नहीं आती है। और फिर मैंने सब्जियां काटी थी वो मैंने इसमें डाल रही हूँ। कोशिश कीजिएगा फ्रेश वेजिटेबल्स में अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। जितने मैंने बनाई है ये 203 लोगों के लिए काफ़ी है। वैसे ये सैलेड अब तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।